हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ललिता मन्हास चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बूटी मैंने कैसे बनाई है, ये वुलन बूट जो है इसको हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी अपनी पसंद की दो रंग की ऊन, 10 नंबर की सिलाइयाँ, सीजर्स और साथ में एक सुई चाहिए हमें निडल सिलने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी पसंद के किसी भी कलर से आप डाल सकते हैं, तो मैं डाल रही हूँ मैरून कलर के और इसके लिए मैं डालूंगी 58 फंदे। तो लीजिए मैंने 58 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं सारी सिलाइयां उल्टी उल्टी बुनूंगी, उल्टे फंदों से इस तरह से 8 सिलाइयां मैं उल्टी बुनूंगी दोनों तरफ से। आप चाहें तो 6 सिलाइयां भी बुन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा छोटा बॉर्डर रखना है तो इतना बॉर्डर रखेंगे तो आप 6 सिलाइयां भी बुन सकते हैं। ये 8 सिलाइयां बन गई है मेरी, 8 रोज बन गए हैं। आप चाहें तो इसको कम भी बना सकते हैं। अब हम दूसरा थ्रेड लगाएंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। अब मैं ये उल्टी साइड से लगा रही हूँ, रॉन्ग साइड से। अब इसमें हमने करना क्या है, यहाँ पे सेंटर में आके हमने यहाँ पे ये दो फंदों के एक इधर एक एक फंदा बढ़ाना है, एक इधर और बीच में ऑटोमेटिकली एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से बढ़ जाएगा। सेंटर में दो फंदे बढ़ते चले जाएंगे दो दो सिलाइयों में और बाहर वाली साइड एक एक फंदा एक इधर बढ़ता जाएगा। मतलब हर दूसरी सिलाई में दो फंदे ये और दो फंदे ये, 4 फंदे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने इसी तरह से बनाना है जहाँ तक दो कलर लगे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाना है इसको। हमारे पास 58 फंदे थे, हम 25 फंदे जो हैं वो सबसे पहले उल्टे बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 21, 22, 23, 24, 25, 25 फंदे बनाने के बाद अब हमें ये वाला फंदा बढ़ाना है, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो उसके लिए हम थ्रेड को सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए अपनी ओर ले आएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 1, 2। अब एक फंदा और बढ़ाना है हमें, दोबारा से हम सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए अपनी ओर लाके अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर से हमें ये वाली साइड वाले बढ़ाने हैं, तो उसके लिए फिर से सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए हम 1, 2 फिर से घुमाना है, एक और बढ़ाना है। अब हमारे पास 25 फंदे होने चाहिए इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. अब इन फंदों को सबको हमने उल्टा बनना है। अब हमने पूरी सिलाई ये वाली इसी कलर से दोबारा से उल्टी बुननी है और जो फंदे हमने बढ़ाए थे उनको भी हमने बुन लेना है। पहला फंदा आगे से लेके घुमा के अब सारी सिलाई उल्टी बुन। सिर्फ आपने कौन से फंदे उल्टे नहीं बुनने हैं, जो अपने दो बढ़ाने वाले के बीच में जो बुने हुए हैं, जैसे हमने फंदा बढ़ाया था इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब ये वाले दो फंदे जो बीच के हैं उनको हम सीधे बुनेंगे, 1, 2 फिर से उल्टा,
ये फंदा भी उल्टा बुनेंगे और इसके आगे वाले दो फंदे जो हैं वो हम बुनेंगे सीधे, 1 2। अब ये वाला फंदा भी बढ़ाया हुआ जो है वो भी उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हर दूसरी सिलाई में और बाकी सारे फंदे जो हैं वो उल्टे आ जाएंगे। सिर्फ ये दो बीच के फंदे जो हैं ये आप उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा डालोगे, बाकी सारे उल्टे उल्टे फंदे आएंगे। अब ये सारी सिलाई हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम दूसरा थ्रेड लगाएंगे, उसमें भी इसी तरह से दो दो फंदे इस जगह पे आके बढ़ाएंगे। अब ये एक सिलाई पूरी हो गई है। अब फिर से हम दोबारा से अपना पहला वाला कलर ले लेंगे और उसे हम उल्टा बढ़ाएंगे। ये पहले वाले थ्रेड को मैं साथ साथ लेती जा रही हूँ ताकि ये देखने में बुरा ना लगे और थोड़ा आगे जाने पे हम इसे काट देंगे। दूसरे थ्रेड से हमारे ये जो 25 फंदे थे वो 26 हो गए हैं, वो हमने बुन लिए हैं। अब ये वाला, ये 26 वाला, ये हमने बुन लिया। यहाँ पे हमने बढ़ाना है ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहले कलर से बढ़ाया, ऊपर से ले जाके दो फंदे उल्टे, फिर ऊपर से ले जाके एक फंदा और बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, चार से ये छः हो गए क्योंकि अंदर वाली साइड दो फंदे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें एक फंदा और बढ़ाना है, फिर हम ऊपर से ले जाके 1 2 एक फंदा और बढ़ाएंगे। अब ये हमारे पास जो 26 फंदे हैं यहाँ पे वो बन लेंगे सारे उल्टे। अब इस कलर के बाद हमने ये पूरी उल्टी साइड जो है वो उल्टी बुननी है, सिर्फ ये दो दो फंदे जो हैं उनको हमने सीधा करना है, बाकी सारी सिलाई उल्टी जाएगी। इसी तरह से दोनों धागों से बुनते हुए ये वाली सिलाई पूरी उल्टी करेंगे, सिर्फ यहाँ पे दो फंदे ये वाले और यहाँ पे दो फंदे ये वाले सीधे बुनेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बाकी सारी उल्टी आएगी। इसी तरह से करते हुए हमने जो येलो कलर है 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन उसके बनाने हैं और मैरून के भी हमने 7 ही बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हम इनके साथ साथ डिज़ाइन दोनों कलर से बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और हमने यहाँ पे बढ़ाते चले जाना है, हर दूसरी सिलाई में दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने हैं और बाकी सारा सिंपल वैसे ही बनाते चले जाना है। इस तरह से हमारे हर दूसरी सिलाई में चार चार फंदे बढ़ते चले जाएंगे नीचे, यहाँ तक बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये हमारे देखिए 7 डिज़ाइन बन गए हैं, हमारी 7 रोज बन गई हैं येलो की और 7 ही मैरून से बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7 और मैरून की भी 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने आगे ये वाला हिस्सा बनाना है मैरून कलर से, कोई भी फंदा हमने बढ़ाना नहीं है, सीधी सीधी सारी सिलाइयाँ, सारी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है हमने। और कितनी बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइंस हैं, 8 लाइंस बनी हुई है, इसका मतलब 15 या 16 आपने सिलाइयां बनानी है, दो सिलाइयों का एक रो बनता है ये वाला। तो चलिए बना लेते हैं 8 इस तरह के रो, 8 का मतलब 16 सिलाइयां हमने बनानी है। अब हम ये वाला येलो वाला धागा तोड़ देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनते जाएंगे। अब हमने फंदे को कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, जितने फंदे हमारे पास आ गए हैं हमने इसी से बनाना है। कितने फंदे आए हैं देख ले, 1 2 3 4 5 6
53, 54, 55, 56, 57 पेयर्स हैं। अब हम सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनेंगे, अब हमने कहीं पे भी नहीं बढ़ाना है। मैं ये पूरा 8 रोज बना के फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने ये 8 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं, 8 रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद आप अपने तरीके से जैसे भी करते हैं वैसे कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, दो दो फंदे एक साथ बुनते हुए एक कर दिया फिर एक को इसके साथ ले लिया, इस तरह से हम एंड तक करके इसको बंद कर देंगे। इस तरह से ये बंद होता चला जाएगा, यहाँ तक एंड तक आप इसी तरह से करेंगे। ये देखिए अभी एंड में इस तरह से सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं और इसमें से धागा निकाल कर इसके बीच में से धागा निकाल के इसको गांठ लगा, जो हमारे पास शेप आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से ये सारा हमने सिल लेना है। और ध्यान रहे जब आप ये सिलें तो एड़ी में थोड़ी सी गुलाई कर ले, नहीं तो ये चोंच सी नजर आएगी, मतलब अंदर से ले जाकर ऐसे सिलते चले जाए और पूरा एंड तक सिल दीजिए तो आपका शू तैयार हो जाएगा। मैं भी आपको सिल के दिखा देती हूँ। मैंने इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई दे दी है ताकि ये चोंच सी ना निकले एड़ी के जगह पे। और आप चाहें तो यहाँ से जब ये पोर्शन बना रहे हैं तो दो दो तीन तीन सिलाइयों के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से किनारों से घटाते चले जाएंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे गोल सिल दीजिए, थोड़ा सा गुलाई कर दीजिए ताकि ये चोंच ना निकले। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये जो मैंने बनाया है शू बूट, ये है 5 और 6 नंबर, जिनको जूते आते हैं उनको पूरा आ जाएगा। अगर आप इनसे छोटा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने स्टेप्स बनाए हैं, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइंस बनाई हैं, इसकी जगह आप 1 या 2 कम कर सकते हैं। अगर आपका पैर छोटा है और बड़ा है तो एक और 1 या 2 बढ़ा दीजिए इस डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस साइड से भी फंदे बढ़ जाएंगे तो वो साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो देखिए देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। आप भी इसे ट्राई करिए और मिलती हूँ एक और नई रेसिपी या DIY प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।